नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। रोहित शर्मा दूसरे वनडे के शुरुआत में ही इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया कुछ स्कैन्स के लिए। हालांकि थोड़ी देर बाद रोहित शर्मा वापस जरूर लौटे, लेकिन उनके हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी और वो बल्लेबाजी करने के लिए भी नहीं उतरे। आपको बता दें कि रोहित शर्मा की जगह विराट कोहली ओपनिंग करने आए। 8 साल बाद ओडीआई में ओपनिंग करने विराट कोहली जब आए तो वो अपना जादू नहीं बिखेर पाए। मात्र 5 रन के स्कोर पर विराट कोहली का विकेट गिर गया और विराट कोहली बोल्ड होकर वापस पवेलियन लौट गए। बात रोहित शर्मा की करें तो इंजरी यहां पर थोड़ी सीरियस नजर आ रही है। जिस तरह से उन्होंने हाथ पर पट्टी बांधी हुई है, ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा तीसरे वनडे मुकाबले से भी बाहर हो सकते हैं। उनकी अनुपस्थिति में केएल राहुल ने कप्तानी की, उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वहां से कोई भी कप्तान अगर होता तो इतना बड़ा स्कोर शायद ना बनने देता, लेकिन केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे तो वहां पर बांग्लादेश ने उसका पूरा फायदा उठाया और जमकर रन लुटाए। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने भारत को जीतने के लिए 272 रनों का लक्ष्य दे दिया। एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश का स्कोर 69 रन पर 6 विकेट था, वहां से बांग्लादेश ने 271 रन बनाए। मेहदी हसन ने शानदार शतक लगाया मात्र 83 गेंदों में, जिसकी बदौलत बांग्लादेश ने 271 रनों का स्कोर हासिल कर लिया। उसके बाद विराट कोहली भी फ्लॉप रहे, शिखर धवन भी फ्लॉप रहे और रोहित शर्मा तो बल्लेबाजी करने के लिए आए ही नहीं। रोहित शर्मा की इंजरी पर यही अपडेट आया है कि शायद रोहित शर्मा अब तीसरे वनडे मुकाबले से भी बाहर हो सकते हैं। स्कैन्स के बाद उनको खून भी निकला था और पट्टी बांधकर रोहित शर्मा पवेलियन में यहां पर नजर आए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रोहित शर्मा की इंजरी को लेकर आपका क्या कहना है? टीम इंडिया का प्रदर्शन जिस तरह से रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।